बेस्ट एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच अंडर 1000 और बेस्ट 4G एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच अंडर 1000 रुपीज के बजट में एक अच्छी टिकाऊ और फीचर से भरी हुई 4G एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। ठीक है, आज की वीडियो पर मैं आपको टॉप 4 बेस्ट एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच अंडर 1000 रुपीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें आपको भरपूर फीचर देखने को मिल जाएगी। 4G सिम कार्ड लगा सकते हो, मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसी एप्लीकेशन को भी यूज कर सकते हो और ये देखने में स्मार्ट वॉच 4 से 5 हज़ार वाली एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच के जैसी लगती है। तो इसे पहन करके आप अपने दोस्तों को गरीबों भी कह सकते हो। वैसे इस टॉपिक में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस क्रिएट कर रखा हूँ, लेकिन वो सारे के सारे 2000 के बजट में है। तो अगर आपको 2000 के बजट में एक एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच चाहिए तो ऊपर आई बटन पर उसका लिंक देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आप उस वीडियो को भी जाकर के वॉच कर सकते हो। तो अब बिना देरी किए हम सीधे शुरू को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई। नंबर 1 पे आता है कॉपसेट प्राइम एस एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच। सबसे पहले इसमें आपको एक मैग्नेटिक फास्ट चार्जर देखने को मिल जाती है, जिसके साथ आपको एक स्क्रू ड्राइवर भी दिया जाता है। बिल्ड क्वालिटी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिल जाएगी। 1.6 इंच की HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि राउंड शेप में है। 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ में ये स्मार्ट वॉच बहुत ही ज्यादा स्मूथ चलती है। आपको यहाँ पर टच रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू अदर स्मार्ट वॉच जो इस रेंज में आते हैं। और इस स्मार्ट वॉच में आप प्ले स्टोर जैसी एप्लीकेशन को भी यूज कर सकते हो और उसकी मदद से आप किसी भी यहाँ पर एप्लीकेशन को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। और इसमें Android 7.0 दिया गया है तो इसकी मदद से आप किसी भी लेटेस्ट एप्लीकेशन को आसानी से एक्सेस भी कर सकते हो। ऊपर की तरफ आपको फ्लाइट मोड, GPS, Wi-Fi देखने को मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर आप म्यूजिक कंट्रोल के साथ में वेदर की इन्फॉर्मेशन भी आसानी से ले सकते हो। 100+ वॉच फेसेस का फीचर इसमें आपको देखने को मिलने वाला है और मेन्यू में आपको यहाँ पर वो सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है जो सारे के सारे हमारे एंड्रॉइड फोन में हुआ करती है। तो इसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। और इसमें आपको कैमरा फीचर भी देखने को मिल जाता है जो कि बिल्कुल HD क्वालिटी का है और यहाँ पर आप 1080p में किसी भी वीडियो को शूट कर सकते हो। एंड्रॉइड गेम आप इसके अंदर खेल सकते हो और वो भी बिना किसी लैग के। और आप इसमें किसी भी सोशल मीडिया को भी यूज कर सकते हो, लाइक व्हाट्सएप हो गई, इंस्टाग्राम हो गई, ये सब भी बहुत ही आसानी से इसके अंदर चल जाती है। और अगर मैं इसके बैटरी बैकअप की बात करूँ तो ये आसानी से आपको एक दिन का बैटरी बैकअप दे देगा अगर आप इसको कंटिन्यू यूज करते हो, कंटिन्यू इंटरनेट वगैरह यूज करते हो तब। लेकिन अगर आप इसको बिना इंटरनेट वगैरह के यूज करोगे तो ये आपको आसानी से 3 से 4 दिन का बैटरी बैकअप दे देगी। और अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मीडिया टेक की MT6580 प्रोसेसर जो क्वाड कोर 1.3 GHz के साथ आती है और यहाँ पर आपको 2GB रैम, 16GB स्टोरेज के साथ में मेमोरी कार्ड और सिम कार्ड लगाने का भी फीचर देखने को मिल जाता है। तो बजट के हिसाब से यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा फीचर प्रोवाइड किया जा रहा है। नॉर्मली 1000 के बजट में इतने ज्यादा फीचर प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। तो इसका बेस्ट बाइंग लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया, वहाँ पर आप जाकर इसे प्राइस को चेक कर सकते हो। परचेज करना चाहो तो परचेज भी अपने लिए कर सकते हो। समझ गया। अब बात करते हैं अपने सेकंड स्मार्ट वॉच के बारे में, लेकिन उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं यार? वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर कर लेना। ठीक है। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है S9 अल्ट्रा एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको डिजाइन वगैरह बिल्कुल एप्पल वॉच अल्ट्रा की कॉपी ही देखने को मिलने वाली है। अगर मैं इसके डिस्प्ले की बात करूँ तो वो यहाँ पर आपको 1.95 इंच की HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि 320x385 पिक्सल रिजोल्यूशन के साथ में आती है। 4G सिम कार्ड आप इसके अंदर लगा सकते हो और यहाँ पर आप किसी भी वीडियो को डाउनलोड करके इसको आप आसानी से गैलरी में वॉच कर सकते हो। क्रोम ब्राउजर को भी आप इसमें आसानी से यूज कर सकते हो। और इसके अलावा इसमें आपको वो सारे एप्लीकेशंस देखने को मिल जाते हैं जो कि नॉर्मली आपको हर एक स्मार्ट वॉच में देखने को मिल ही जाती है। यहाँ पर आपको एक अच्छा फीचर ये देखने को मिल जाएगा कि आप इसके अंदर BGMI गेम को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन आप उसे सिर्फ डाउनलोड ही कर सकते हो, उसको खेल नहीं सकते हो। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। इसमें आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जिसकी आपको क्वालिटी ओवरऑल ठीक ठाक ही देखने को मिल जाएगी। 1GB रैम और 16GB स्टोरेज इसमें देखने को मिलने वाली है और ये स्मार्ट वॉच आपको आसानी से एक दिन का बैटरी बैकअप दे देगी। और ये स्मार्ट वॉच में आपको IP67 की रेटिंग देखने को मिल जाती है जो इसको वाटरप्रूफ बनाती है और आप इसे पहन करके आसानी से बारिश वगैरह में जा सकते हो। स्मार्ट वॉच को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये थी हमारी दूसरी स्मार्ट वॉच। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे स्मार्ट वॉच के बारे में जिसका नाम है i9 अल्ट्रा प्रो मैक्स। नाम के जैसे ये एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच भी कम्प्लीटली एप्पल वॉच की कॉपी होने वाली है। सबसे पहले इसमें आपको मैग्नेटिक डॉक चार्जर देखने को मिलने वाली है, ठीक ठाक क्वालिटी की यहाँ पर आपको स्ट्रेप देखने को मिलने वाली है और यहाँ पर आपको 2.19 इंच की बिग डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है जो कि पिछले स्मार्ट वॉच से काफी ज्यादा बड़ी डिस्प्ले यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। साइड में आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिलने वाला है, शॉर्टकट बटन देखने को मिलने वाला है और दूसरे साइड में आपको क्राउन और ऑन ऑफ बटन देखने को मिलने वाला है। और इसमें आपको 200 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है जो कि बहुत ही कम हुई। साथ ही यहाँ पर आपको मेन्यू स्टाइल यहाँ पर 8 तरीके की प्रोवाइड की गई जिसे आप आसानी से चेंज कर करके हर बार अलग अलग तरीके का मेन्यू स्टाइल रख सकते हो। और इसमें आपको कॉलिंग क्वालिटी बहुत ही अच्छी देखने को मिलने वाली है, मतलब कि बिल्कुल क्लियर वॉइस आप सामने वाले को सुन सकते हो और बिल्कुल क्लियर वॉइस आपके सामने वाले को जाने वाली है। इसमें आपको हेल्थ ट्रैकिंग फीचर देखने को मिल जाती है जो कि सिर्फ देखने को ही मिलती है। आप इसे यूज बिल्कुल ही मत करना क्योंकि एक्यूरेसी बहुत ही बेकार देती है। और इसी के जैसे यहाँ पर आपको फेसबुक भी देखने को मिल जाती है और ये भी सिर्फ देखने को ही मिलती है, इसको आप ओपन नहीं कर सकते। भाई ये क्या हो रहा है भाई?
लेकिन यहाँ पर आपको स्टेप काउंट का फीचर देखने को मिल जाता है जो कि अच्छी तरीके से वर्क करती है, और स्पोर्ट्स मोड भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है और ये भी बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क करती है। साथ ही यहाँ पर आप व्हाट्सएप को इसमें यूज कर सकते हो, कैलकुलेटर फीचर दिया गया और बाकी वही सारे सेम फीचर्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं जो हर एक एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच आपको देखने को मिल जाएगी। तो 600 के बजट में ये स्मार्ट वॉच आपको बहुत अच्छी खासी फीचर प्रोवाइड कर देती है जो कि मेरे लिए तो यार ठीक ठाक ही हुई, और आपके लिए कैसी हुई वो आप कमेंट करके मुझे उसे बता देना। इसकी बेस्ट माइंड लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, आप वहां से जाकर इसके प्राइस को चेक कर सकते हो, परचेज करना चाहो तो परचेज भी कर सकते हो। अब बात करते हैं अपने लास्ट फोर्थ स्मार्ट वॉच के बारे में जिसका नाम है T800 अल्ट्रा एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच। वायरलेस चार्जर के साथ में यहाँ पर आपको 1.99 इंच की IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि 240x240 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ आती है। 60Hz रिफ्रेश रेट यहाँ पर दिया गया जिस वजह से यहाँ पर आपको बहुत ही स्मूथली स्क्रीन टच वगैरह देखने को मिल जाएगी। कॉलिंग फीचर इसके अंदर दी गई है, लेकिन इस स्मार्ट वॉच में आपको एक पासवर्ड प्रोटेक्शन का फीचर देखने को मिल जाता है जो कि इस प्राइस रेंज में बहुत ही कम स्मार्ट वॉच देखने को मिला करती है। हेल्थ ट्रैकिंग फीचर इसके अंदर देखने को मिल जाती है जो कि 70-80% बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड कर देती है, और इसमें आपको एक दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। और इस स्मार्ट वॉच में आप सभी सोशल मीडिया को यूज कर सकते हो लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसकी नोटिफिकेशन को चेक करने के लिए। इसमें आपको डायरेक्ट कोई भी एप्लीकेशन यूज करने का फीचर नहीं मिलता है, सिर्फ उसकी नोटिफिकेशन को ही देख सकते हो। तो ये यार ये मेरे लिए बहुत ही बेकार फीचर है। तो ये थी हमारी लास्ट फोर्थ स्मार्ट वॉच, और इसकी बेस्ट बाय लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगी, आप वहां से जाकर इसके प्राइस को चेक कर सकते हो, परचेज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग यार ये हमारी वीडियो पसंद आएगी, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में हमें बता देना कि इसमें से आपको कौन सी स्मार्ट वॉच ज्यादा पसंद आई। मेरी इसमें पसंद थी फर्स्ट वाली, आपकी कौन सी पसंद थी वो हमें कमेंट करके जरूर से बता देना। तो फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।